5 सेकेंड, 2 सेकेंड, रेडी। उपाध्यक्ष जी, आज हम सदन में देश की कानून और व्यवस्था की स्थिति पर विचार कर रहे हैं और यह चर्चा 2 दिनों से यहाँ चल रही है। हम सब लोग जो यहाँ बोले हैं, तमाम आदमी एक ही निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि देश में कानून और व्यवस्था नाम की आज कोई चीज़ नहीं है। हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि आखिर यह स्थिति कैसे आई, क्या कारण है कि आज देश में कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, जबकि तमाम कानून हमारे पास किताबों में उपलब्ध हैं। एक बात यहाँ और हमारी समझ में आती है कि देश में कानून तो बनाए गए, परंतु उन कानूनों को लागू नहीं किया गया। अगर कानूनों को सही ढंग से लागू किया गया होता तो आज देश उस स्थिति में ना पहुंचता जिसमें हमारा देश पहुंच गया है। संविधान की धाराएं 340, 332, 15 और 16 आज की बनाई हुई नहीं हैं। वे अनुच्छेद उस समय बने जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। उन दिनों हमने इन धाराओं को हरिजन भाइयों के हित में लागू किया था, लेकिन आज जब फिर देश के 50% नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए उसे लागू करने का मौका आया, तो लोगों के मन में दो रंगी बातें पैदा हो गईं। लोगों ने कहा कि इसमें आर्थिक शब्द को लाना चाहिए। उन लोगों ने सोचा कि अगर इसमें आर्थिक शब्द नहीं लगाया जाएगा तो देश में 50% पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, यदि उन्हें आरक्षण दे दिया जाएगा तो वे सत्ता में चले जाएंगे और फिर हमारे से सत्ता निकल जाएगी। मैं कहना चाहता हूँ कि अभी तक तो करीब 25% लोग ही शासन में रहे होंगे, जबकि देश की तमाम पूंजी उन्हीं के पास थी। फिर क्या कारण है कि यह देश भिखारी बन गया? क्या कारण है कि जब तक हम अपने देश का सोना बाहर गिरवी नहीं रखते, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती? क्या कारण है कि तमाम फौज आपके पास मौजूद है, तमाम कानून की किताबें आपके पास हैं, फिर आप उन्हें लागू क्यों नहीं करा पाए? उन कानूनों को लागू कराने वाले आप लोग ही तो हैं। आप कहते हैं कि मैं ही केवल भगवान के यहाँ से सीधे आया हूँ, यदि कोई दूसरा आया है तो वह घूम कर आया है, इसके बावजूद क्यों देश की हालत खराब हो गई? उपाध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक अकेले राज किया है, अगर अकेले राज करने की नीयत रखेंगे तो इस देश की हालत और अधिक खराब हो जाएगी और फिर देश को कोई बचा नहीं पाएगा। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि अभी तक केवल 25% लोग ने राज किया है,
अगर देश को ठीक करना चाहते हो, अलगाववाद और आतंकवाद से मुक्त कराना चाहते हो कि देश में कोई दंगा ना हो, तो आरक्षण के सिद्धांत को लागू कीजिए, अन्यथा कोई भला नहीं हो सकता। यदि आप चाहते हैं कि हम अकेले ही राज करते रहें, तब भी काम चलने वाला नहीं है। इसमें कश्मीर को भी, पंजाब को भी, असम को भी, बिहार और उत्तर प्रदेश को, सभी को हिस्सा चाहिए। अगर आप चाहें कि एक ही समुदाय के लोग बैठकर राज चलाते रहें, वह जमाना अब बीत गया है। सभी का हिस्सा उसमें है, और अगर सभी का हिस्सा देंगे तो देश ठीक से चलेगा, नहीं तो देश चलने वाला नहीं है। आज कश्मीर हमसे अलग हो रहा है। कश्मीर की नीयत अवश्य खराब हो गई है। जिस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस समय पाकिस्तान की नीयत क्यों खराब हुई? उस समय ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कश्मीर के मुसलमान हिंदुस्तान के प्रति ठीक थे और सोचते थे कि हिंदुस्तान हमारा है। लेकिन जब हमारे देश में सांप्रदायिक शक्तियों ने आँख उठाई, तो कश्मीर के मुसलमानों में भी कुछ खराबी हो गई। यही कारण है कि कश्मीर के मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हुए भी आज अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जो सांप्रदायिक शक्तियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि देश में राज करने के लिए उनको फिर से सोचना चाहिए। अगर मुसलमान को हिंदू बनाना चाहेंगे, तो यह काम होने वाला नहीं है। यह देश केवल हिंदू का नहीं है, यह सबका है। यदि कोई यह कहता है कि यह देश केवल हिंदुओं का है, तो वह देश को तोड़ना चाहता है। यदि आपको देश के प्रति प्रेम है, तो मुसलमान को, सिख को हिंदू बनाना छोड़ दीजिए। यदि नहीं छोड़ेंगे, तो यह देश कई खंडों में बंट सकता है। देश को धर्म के नाम पर तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। मैं कहना चाहता हूँ कि यदि देश को ठीक रखना चाहते हैं, तो भूमि सुधार कानून लागू कीजिए। 1 मई को महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई, और इसी दिन बम्बई महाराष्ट्र की राजधानी बनी। महाराष्ट्र दिवस की धूमधाम से संपूर्ण राज्य 1 मई को एक अत्यंत ही आकर्षक व उत्साहजनक वातावरण से भर उठता है। इस वर्ष एक बात और भी हुई जो बहुत ही गौरवशाली है, वह है 1 मई को संपूर्ण महाराष्ट्र में शिव जयंती उत्सव मनाया गया।